हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद अंशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं गाइस आपके लिए लेके आई हूँ साबुदाना फेस पैक। साबुदाना फेस पैक आपने किस तरह बनाना है, किस तरह इसे फेस पर अपने आपने एज ए स्क्रब यूज करना है और किस तरह अपने फेस को सनबर्न होने से बचाना है। जिस तरह अभी गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है तो कुछ लोगों को गाइस जो क्या होती है ना, सनलाइट से एलर्जी होती है, उनकी स्किन धूप में ज्यादा रहने से क्या होती है, झुलस सी जाती है, ब्लैक हो जाती है। उनकी स्किन झुलसने का मतलब गाइस जो सनबर्न से उनको प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है ना गाइस, वो हमारी निकलने लगती है। तो ये सनबर्न की जो प्रॉब्लम होती है ना गाइस, जिसे हम सनलाइट कहते हैं, जिससे हमारी स्किन के स्किन पे जो जिसका सीधा ही असर होता है, तो हमारी स्किन जो झुलस से जाती है और चमड़ियां निकल आती है गाइस, तो इसे हम सनबर्न बोलते हैं गाइस। तो ऐसा कौन सा फेस पैक लगाना है जिससे हमारी स्किन सनबर्न से प्रोटेक्ट रहे और साथ ही साथ हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी और ब्राइट रहे गाइस? तो इसके लिए गाइस मैंने साबुदाना का फेस पैक बनाया है। साबुदाना का फेस पैक जो गाइस ना, आपकी स्किन के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है गाइस। साबुदाना में कॉपर, कैल्शियम, विटामिन, सेलेनियम एंड आयरन जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारी स्किन और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और हमारी स्किन जिससे ब्राइट होगी गाइस, साबुदाना में स्टार्च पाया जाता है जो हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा ब्राइट करता है। और इसमें हमें जिस इंग्रेडिएंट का यूज करना है गाइस, वो होगा कर्ड एंड मिल्क। कर्ड एंड मिल्क यूज करके गाइस हम अपने फेस पर लगाने के लिए फेस पैक साबुदाना का बनाएंगे, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे गाइस। मिल्क हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल इस तरह से है, क्योंकि हमारी स्किन को ब्राइट करता है, सॉफ्ट करता है और साथ ही साथ गाइस ये हमारी स्किन को सनलाइट से बचाता है। कर्ड भी गाइस हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, ब्राइट करता है, हेल्दी करता है एंड साथ ही साथ हमारी स्किन की डेड स्किन को निकाल कर हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा गोरा कर देता है, जिसे हम ब्राइट बोलते हैं करता है। और कर्ड भी हमारी स्किन को सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है गाइस। और किस तरह ये हमारी स्किन को सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है गाइस, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना ठंडी होती हैं, जिससे हमारी स्किन पे जो है सूरज की किरणों का असर कम होता है और हमारी स्किन जो है सेफ रहती है, सनलाइट का इफेक्ट हमारे स्किन पे नहीं होता है गाइस। तो इस तरह हमें इस फेस पैक को बनाना है और इस तरह इन इंग्रेडिएंट को यूज कर गाइस हम अपने फेस को हेल्दी और बहुत ही ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं। तो किस तरह आपने इस फेस पैक को बनाना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने बनाना है और कैसे आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। यहाँ पे गाइस मैंने 50 ग्राम लगभग साबुदाना ले लिया है और ये जो साबुदाना है ना, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा वाला साबुदाना है। अब हम इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे गाइस मैंने इसे स्क्रब के लिए जो बना लिया, किस तरह हमने इसे स्क्रब यूज करना है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी छोटे छोटे से इसमें दाने हैं। तो ये पाउडर अभी हमारे स्क्रब के लिए रेडी है, जिसके लिए हमने जिसे हमने अपने फेस पर स्क्रब करना है। तो जब आपने पाउडर बनाना है तो सब इस तरह का, जब आपका हो जाएगा तो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी निकाल लेनी है और फिर उसके बाद फिर से आपने इसे मिक्सर में थोड़ा सा और चला देना है, जिससे अच्छा बिल्कुल ही आपका पाउडर बन जाए। तो इसमें से थोड़ा सा निकाल ले रहे हैं, उसके बाद मैं फिर इसका पाउडर बना लूंगी। तो भी गाइज आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसका अच्छी तरह पाउडर बना लिया है, मैं आपको दिखा रही। तो ये जो है हमारा बिल्कुल ना अब पाउडर बन गया है और ये अब हमारे चेहरे पे एज ए फेस पैक के लिए रेडी हो गया ये पाउडर। और ये मैंने जो इसका स्क्रब बनाने के लिए जो मैंने इसे निकाला था ना, ये हमारा जो वो था, ये मैंने इसे थोड़ा सा एक बार में जितना हम अपने फेस पर यूज करेंगे उसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा निकाल लिया है। यहाँ पे गाइज मैंने सबसे पहले कटोरी में दूध ले लिया है और ये जो दूध हमारा है 2 स्पून है। हमने जो दूध लेना गाइज ना, वो कच्चा दूध लेना है, उबाला हुआ दूध नहीं लेना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ साबुदाना पाउडर, जो पाउडर हमने बनाया था उसकी क्वांटिटी 2 स्पून हमने साबुदाना पाउडर ले लेना है। तो ये हमारा साबुदाना पाउडर हो गया। उसके बाद हमने इसमें जो थर्ड आइटम गाइज ऐड करनी है वो है हमारा कर्ड। अगर घर का बना हुआ कर्ड आप लेंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए, वो स्किन के लिए और ही ज़्यादा अच्छा होगा गाइज। तो यहाँ पे मैंने कर्ड ले लिया है। उसके बाद इसमें मैं 1 स्पून साबुदाना पाउडर और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मेरा पेस्ट जो है काफ़ी पतला हो जाएगा, तो कहीं वो हमारे फेस से पे सही तरह लगे ना, इसलिए मैंने 1 स्पून और ऐड कर दिया। उसके बाद गाइज हम इसका पेस्ट बना लेंगे। आपने पेस्ट जो है ना देखेंगे, जो आपका बनेगा बिल्कुल क्रीम फ्लेवर में और बहुत अच्छा देखने में लग रहा था गाइज, बिल्कुल क्रीम की तरह आपका लग रहा था। और यहाँ पे हमारा ये पेस्ट बन गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने सारा स्टेप फॉलो करना है और किस तरह इसे अपने फेस पर लगा। गाइज मैंने अभी अपने फेस को वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने लिया है अपने बाउल में, जो मैंने आपको थोड़ा सा जो दरदरा सा था जो मैंने साबुदाना का बनाया था, जिसे मैंने अपने फेस पर एज ए स्क्रब यूज करना है, तो वो मैंने साबुदाना का पाउडर ले लिया है। और इसमें मैं ऐड करूंगी गाइस गुलाब जल। गुलाब जल गाइस हमारी स्किन को फेयर करता है, सॉफ्ट रखता है और जो है क्या कहते हैं हमारी स्किन पे ये ठंडक बना के रखता है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है गाइस। तो इस तरह आपने बना लेना। उसके बाद आपने गाइस ना इसे ऐसे लेके आप दोनों फिंगर पे ऐसे ले सकते हैं
और लेने के बाद आपने इसे अपने फेस पर ऐसे एज ए स्क्रब यूज करना है गाइज। इसी तरह आपने गाइज इसे मसाज करना है अपने फेस पर, थोड़ा सा ना प्रेस करके अपने हाथों को टाइटली आपने स्क्रब, जिस तरह हम स्क्रब करते हैं ना उस तरह आपने अपने फेस पर इसे स्क्रब करना है, जैसे हम मैं भी कर रही। चिन एरिया पे आपने ना अपने लिप्स को जो होते हैं आपके दोनों, आपने उन्हें ऐसे करके फिर उसके बाद यहाँ पे करना है, जिससे आपके जो यहाँ पे दाने होते हैं ना वो आपके जो दाने हैं वो क्लीन हो जाएंगे। इस तरह आपने गाइस 2 से 3 सेकंड ऐसे राउंड शेप में यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है, तो आप देखेंगे जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो आपका क्लीन हो जाएगा एरिया। तो जब आप स्क्रब करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा, जिससे आपका फेस बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन हो जाए। तो भी आप देख सकते हैं गाइस मैंने अपने फेस पर इसे कर लिया है अच्छी तरह स्क्रब, उसके बाद इसे अब मैं नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लूँगी और अपने फेस पर फेस पैक लगाऊंगी। यहाँ पे गाइस मैंने अगेन अपने फेस को वॉश कर लिया है और अब मैं अपने फेस पर लगाऊंगी फेस पैक, जो मैंने फेस पैक बनाया गाइस। और ये आप देखेंगे ना बहुत ही क्रीमी फॉर्म में है, बहुत वाइट और बिल्कुल क्रीम की तरह लगता है गाइस ये। अगर आप चाहें तो इसे 2 दिन तक आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसे ऐसे लेना है और पूरे फेस पर आपने अच्छी तरह लगा लेना है, अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने क्या कहते हैं ये कानों पे गाइस, अच्छी तरह आपने इसे लगा के 15 से 20 मिनट तक आपने इसे छोड़ देना है। बहुत ही इजीली गाइस ये आपके फेस पर लग जाएगा, और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने स्क्रब अभी आपको बताया कि वो आपका गिर जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। बस आपने जब ये पेस्ट बनाना है ना थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना है, गीला रहे, ऐसा ना हो ड्राई करके, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ी देर रख देंगे ना गाइस तो ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है। फिर आप जब इसे बाद में लगाएंगे, अगर आप सोचे 10-15 मिनट आप कुछ करने लगे या आधे घंटे बाद अपने फेस पे लगाओगे, फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो भी आइटम आपने जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, चाहे वो कर्ड हो, मिल्क हो या किसी अदर इंग्रेडिएंट को यूज करके आप बना रहे हैं, तो फिर आपका ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। फिर से आपको उसमें वो मिक्स करके पेस्ट बनाना होगा। तो आप जब आपको लगाना हो, जब आप अपने आप को बिल्कुल फ्री समझें कि अभी आप बिल्कुल फ्री हैं इसे लगाने के लिए, तभी आप इस फेस पैक को बनाएं और तुरंत ही आप इसे अपने फेस पर लगा लें, तो इससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका फेस बहुत ही ईजिली आपके फेस पर लग जाएगा। नहीं तो आप इसे ऐसे लगाते रहेंगे ना गाइस और ये आपके फेस से ऐसे गिर जाएगा बिल्कुल पाउडर की तरह, जैसे हम ऐसे अगर ढेर सारा पाउडर ले अपने फेस पर लगाए तो नीचे गिर जाता है ना गाइस, तो उस तरह ये गिर जाएगा। अभी हमारा फेस पर ही अच्छी तरह लग गया है गाइस, और अब मैं इसे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगा पूरी तरह, मैं इसे ऐसे ही अपने फेस पर छोड़ दूंगी। अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा गाइस, तो मैं जो भी फेस पैक या जो भी रेमेडीज आपको बताती हूँ ना गाइस, वो क्या करती हूँ, मैं पूरे अपने आईज के अराउंड जरूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम्स आपके डार्क सर्कल की होती है ना वो प्रॉब्लम्स नहीं रहती गाइस। हम कोई कॉस्मेटिक आइटम्स नहीं यूज कर रहे हैं कि आईज के अराउंड लगाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा या कोई भी हमारी आई स्पेस का इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो रेमेडीज हैं इनका कोई साइड इफेक्ट आपकी आईज पे नहीं होगा, तो इसलिए मेरी आईज पे मुझे जो सूट करती है नहीं होता, तो फिर मैं इसे जरूर लगाती हूँ। तो चलिए गाइज अभी हमारा लग गया है और मैं इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी। तो अभी गाइज हमारा ये फेस पैक सूख गया है और अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। आपने जब भी वॉश करना है ना गाइज, तो आपने इसे नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है। तो यहाँ पे गाइज मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, उसके बाद आपने किसी सॉफ्ट टॉवल से आपने इसे क्लीन कर लेना है। आप चाहे तो आप इस फेस पैक को वीकली 2 टाइम्स इसे यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो देखनी अच्छी लगती है या मेरी बताई हुई रेमेडीज आप पे वर्क करती हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या जो भी आप ऐप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी यूज करते हैं, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।